ओके, तो हम लोग अब तक यहाँ देख चुके थे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन एक्स इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये कब आया, जब हम लोग जब द रेशियो ऑफ कनेक्टिंग रड लेंथ टू द रेडियस ऑफ द क्रैंक इज़ वेरी वेरी लार्ज, इज़ वेरी वेरी लार्ज। तो इस केस में ये क्वेश्चन ये आया, और ये क्वेश्चन नथिंग बट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये असल ये क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशंस का हुआ, मीन्स द सिंपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट गिव द एंगुलर मोशंस, क्योंकि यहाँ पे थीटा मेरा चेंज होगा, अलग अलग थीटा पे डिस्प्लेसमेंट इसका अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, और थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये हो गया कि जब मेरा पिस्टन इनिशियल पॉइंट पे रहा, तब जब इनिशियल पॉइंट पे रहेगा, जैसे किसके लिए फिगर हम बना दें यहाँ पे ऊपर में कि पिस्टन मतलब स्लाइडर क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड, यहाँ से हो गया मेरा कनेक्टिंग रेडियस ओ, ये बी, ये ए, ये एल एंड आर। तो थीटा कितना हो गया, थीटा में यहाँ पे हो गया जीरो, तो थीटा जीरो। तो इस पॉइंट पे हमारा स्लाइडर सबसे टॉप पे रहेगा, और रड और रेडियस एक दूसरे के पैरेलल में होगा, तो एंगल इस दोनों के बीच का 0 डिग्री। जब थीटा जीरो होगा तो कॉस रे इक्वल टू जीरो इक्वल टू वाट इज वन, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे वन पुट कर देंगे, तो मेरा जो एक्स होगा आर 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो, मतलब इस केस में मेरा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा, यहाँ पे होगा। और जब डिस्प्लेसमेंट हम देंगे, ओके, जब डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे देंगे इस पॉइंट पे, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट कोई भी पार्टिकुलर एंगल पे। केस टू, अगर हम लोग ये मान लें कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे अगर हम लोग शो कर दें, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा 90 जीरो, मतलब एक्स विल बी आर 1 माइनस cos 90, cos 90 डिग्री। तो एक्स कल टू cos 90 वैल्यू होता है जीरो जीरो, तो आर ओनली आर, तो इस समय इसका डिस्प्लेसमेंट आर के हिसाब से होगा। और जब एक्स कल टू 180 डिग्री को हम लोग पुट कर दें, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरा, होगा तो एक्स कल टू 180 मतलब -1, मतलब यहाँ पर मेरा डिस्प्लेसमेंट जाएगा 2। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरिएशंस हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो अलग अलग एंगल पे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, तो ये हमें एक तरह एस एच एम मोशंस को शो करेगा। तो ये इक्वेशन तभी आएगा जब मेरा एल बड़ा होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कैसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहते हो जिसमें लीनियर मोशंस को हम एंगुलर मोशन में चेंज करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमारा चाहिए कि एक स्लाइडर लिंक होना चाहिए, एक कनेक्टिंग रड होना चाहिए और एक क्रैंक होना चाहिए, मतलब तो टोटल 4 लिंक होगा जिसमें से एक स्लाइडर होगा और 3 टर्निंग पेयर होगा, मतलब कि तो एक स्लाइडर पेयर होगा, 3 टर्निंग पेयर होगा, 1 2 3, और इसमें से जो स्लाइडर के साथ जो ये लिंक होगा, जैसे 1 2 3, सॉरी ये स्लाइडर 4 हो गया, तो ये 2 जो लिंक है, 3 लिंक है, इसमें जो डायमेंशन होगा वो हमारा आर बाई एल बाई आर के रेशियो में होगा, और जब दिस लिंक शुड बी ग्रेटर देन 3, तब जाके ये मोशन मेरा एस एच एम मतलब ये लीनियर मोशन अगर होगा, मतलब ट्रांसलेशन मोशन होगा, तो कहीं ना कहीं इस मोशन में एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंट इस चीज़ में इस तरह से ये देगा। केस टू, अगर एक ऐसा मैकेनिज्म कोई कंपनी बनाने के लिए दे जिसमें ये कहा जाए कि एल इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन आर, ये केस आ गया, तो क्या इस तरह का मैकेनिज्म से किस तरह का मोशन हमको मिल जाता है, ये कहाँ से मिलेगा। तो मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन का हेल्प लेके हम ये देखेंगे कि अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार करेगा तो क्या नुकसान होगा। तो ये इक्वेशन को हम देख चुके हैं पहले ही, एक्स इक्वल टू आर 1 माइनस cos थीटा प्लस n माइनस अंडर रूट n² माइनस sin²θ, ये जो बहुत सिंपल हमारा इक्वेशन था जो स्टैंडर्ड।
इसमें अगर इस चीज़ को पुट करोगे, जब एल बड़ा होगा आर, मतलब एन बहुत बहुत छोटा, एन बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसमें अगर पुट करोगे तो क्या हमको रिजल्ट मिलेगा? तो इसमें पुट करेंगे तो क्या पुट होगा मेरा? एन इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत से स्मॉल को जब स्क्वायर करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एन का वैल्यू मेरा 0.1 होगा और इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी और इससे भी छोटा छोटा तुमको वैल्यू देगा। तो जितना छोटा उसका स्क्वायर करेंगे तो और वो छोटा डाटा हमको देगा। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू में क्या होगा, नेगलिजिबल हो जाएगा, मतलब इट विल बी कैंसिल, अप्रोक्स जीरो। तो एक्स विल बी आर 1 माइनस कॉस थीटा, और एन का वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो एन का वैल्यू एन, और ये एन का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, लगभग जीरो, मतलब इसका इम्पैक्ट के हिसाब से ये वैल्यू जीरो हो, लगभग ना के बराबर होगा। पहले केस वाले में क्या था, पहले वाले केस में हम जो लिए थे, पहले वाले केस में लिए थे जब मेरा एल बहुत बड़ा था मेरा, जब तो उस हिसाब से इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर ना के बराबर पड़ता था। लेकिन जब ये एन छोटा हो गया, अब इस केस में मेरा अगर एन छोटा हो गया तो ये एन का इम्पैक्ट इसके ऊपर लगभग ना के बराबर पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट अब ना के बराबर पड़ेगा। तो इस हिसाब से अंडर रूट लगभग इसका वैल्यू लगभग ना के बराबर जीरो, तो इसका इम्पैक्ट इस पर कुछ नहीं पड़ा, तो नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा। तो तुम लोग क्लास सेमेस्टर सेकंड या टू फर्स्ट में पढ़े होगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये तुमको आ गया अंडर रूट माइनस वन इक्वल टू नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स नंबर। जब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो ये इक्वेशन हमारा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के अंदर आ जाएगा, और कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के अंदर मतलब कि प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशंस उस मैथ में, उस डिवाइस में नहीं आएगा। तो अगर कोई भी कनेक्टिंग नेटवर्क को हम छोटा बना दें, और फॉर एग्जांपल ये मेरा हो गया स्लाइडर, एक लिंक ये टर्निंग पे दे दें और एक छोटा सा दे दें, ओके कनेक्टिंग रड, और एक बड़ा सा हम दे दें इसको रेडियस, और इसको हम चाहें ऐसा घुमाने के लिए तो ये कभी भी नहीं घूमेगा, तो मतलब इसमें एंगुलर वेलोसिटीज नहीं पैदा होगा, ओके। तो सच टाइप ऑफ द मैग्नेट इज नॉट एग्जिट इन प्रैक्टिकल लाइफ, तो इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ से हटा दिए। तो जब भी हम लेंगे तो अगर हम ऐसा मोशन जिसमें हम लोग SHM मतलब लीनियर मोशन पॉसिबल है, तभी जब हम लोग लेंथ को हम बढ़ा लेंगे ये क्वेश्चन। तो ये हमारा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस था, इसलिए हम मैग्नेट्स को जब भी बनाएंगे तो लेंथ डायमेंशंस को भी यूज़ करके ही हम यहाँ पे लेंगे, इसलिए यहाँ सब रेडियस लेंथ थीटा एक्स ये सब पैरामीटर का हिसाब से लेते हैं। तो एक्स एक पैरामीटर्स है, आर जो फिजिकली दिखता है, देखो यहाँ पर रेडियस है ये फिजिकली तुमको दिखेगा, लेंथ दिखेगा, और वो जब दिखेगा तो उसके इम्पैक्ट से ये एक्स दिखाई देगा और थीटा दिखाई देगा। तो ये दोनों पैरामीटर कहीं ना कहीं हमारा आर और एल पे डिपेंड है। तो तुम एक इंजीनियर हो तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम कितना लेंथ दोगे, कितना रेडियस दोगे, उस हिसाब से तुम्हारा एक्स चेंज होगा, उस हिसाब से तुम्हारा थीटा भी चेंज होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि तुम इतना एल और आर को में इतना वेरिएशन ले आओ ताकि वो कहीं 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 को कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो समझ जाना कि वो तुम्हारा मैकेनिज्म एग्जिट नहीं करेगा। इसीलिए एक रेशियो माना गया कि इस रेशियो का वैल्यू हमेशा जब भी होगा एल इज शुड बी ग्रेटर देन आर, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम यह क्लास ऑफ करते हैं, फिर आगे हम इस वीडियो को नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा वो ये पता चलेगा कि आखिर इसकी जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है इसी एक्स डिस्प्लेसमेंट से हम निकालेंगे वेलोसिटी, ओके, फिर वेलोसिटी से निकालेंगे एक्सेलरेशंस, और तब निकालेंगे हम लोग फोर्स, कि फोर्स के लिए चाहिए हमको एम इंटू ए, तो मास इंटू ए, तो ए कहाँ से निकलेगा हमारा, ए निकलेगा एक्सेलरेशंस हो गया, वो निकलेगा वेलोसिटी से, और वेलोसिटी कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज नथिंग बट मल्टीप्लाई विद द मास इज कॉल्ड इनर्शिया फोर्स। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जो पिस्टन में जो हम यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, जिसके चलते यहाँ पे एक्स तो यहाँ पैदा हो रहा था, ये फोर्स कहीं ना कहीं यहाँ फोर्स आगे जाके यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये फोर्स उसके बाद इसको रोटेट करेगा,
और जब जाके रोटेट कर तो फिर एक एनर्जी स्टोर होगा, वो एनर्जी हमारा स्टोर हो गया फ्लाई व्हील में। तो ओके, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो हम इसको अपलोड करेंगे।